आपको आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जरूर भेजना है। अब तीसरा, अगर आपके पास आपको कैश मिलता है किसी भी ऐसा नहीं है तो आप उसको सीज कर सकते हो। सीजर की प्रक्रिया आप नहीं करोगे, पुलिस डिपार्टमेंट करेगा। जो पुलिस डिपार्टमेंट का एएसआई लेवल का ऑफिसर या अपर रैंक रहेगा वो उसको सीजर की जो प्रक्रिया है, इनका प्रॉपर प्रोसीजर है, पंचनामा तैयार करेंगे, उसकी डिटेल तैयार करेंगे, पंचनामा तैयार करके उसको आपकी प्रेजेंस में वीडियोग्राफी कराओगे, आप अपनी प्रेजेंस में, और वीडियोग्राफी करा के उस कैश को सीज कर दोगे। सीज करने के बाद उसको देने का अधिकार जो उसका मेंबर है, ठीक है, दो तीन मेंबर्स की एक कमेटी है, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि इस जो सीजर हुआ है जिस अमाउंट का, उसको सीज कर लो, और वीडियो सर्विलेंस टीम आपको असिस्ट करने के लिए लगातार रहेगी। तो बड़ौदा इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, उसके लिए तैयारियां हमारी चल रही हैं। इसमें हमारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है उसके रिगार्डिंग जो डिफरेंट टीम्स है, हमारी वीडियो सर्विलेंस टीम है, वीडियो स्टैटिक टीम है, और इसके अलावा एफएसटीज हैं, एफएसटी है, वीएसटी है, वीवीटी है, एसएसटी है, इन सब को आज हमने मीटिंग के लिए बुलाया है, और इसमें उनको जो नेसेसरी डायरेक्शंस हैं वो इशू की जा रही हैं। सर, चुनाव कब तारीख को होना है, क्या क्या, कब नामांकन तारीख है, क्या रहेगा, जिस तरह से अभी देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया, अब हमारा जो नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग नॉमिनेशन वो 9 तारीख को हो रहा है। 9 से 16 के बीच के अंदर नॉमिनेशन प्रक्रिया रहेगी, और इसके बाद जो 17 तारीख को स्क्रूटनी रहेगी, और 19 तारीख को विड्रॉल का डेट रहेगा, और जो पोलिंग डे है वो 3 तारीख है, और 10 तारीख को काउंटिंग रहेगी। सर, कोविड को लेके क्या, इसके लिए कितने मजिस्ट्रेट अलग अलग इसके लिए लाए गए हैं, जो वहाँ पे चार सीटा को करते मिले, तो उनके लिए क्या कार्रवाई की जाए, क्या निर्देश दिए? देखिए, इसके लिए जो हमारी डिफरेंट टीम्स बनाई हैं, जैसे 5 हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स टीम बनाई है, एफएसटीज बनाई हैं, और वीडियो सर्विलेंस टीम उनके साथ रहेंगी, हर एफएसटी के साथ। हर नाके के ऊपर हमने एक स्टैटिक सर्विलेंस टीम बनाई है, जैसे भैंसवान खुर्द का जो हमारा चौकी है वहाँ पे है, इसके अलावा मुंडलाना में है, रूकी के अंदर है, और यहाँ पे जींद रोड के ऊपर है, वो हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम रहेगी, और हर एक्टिविटी के ऊपर हमारी नजर रहेगी। सर, अभी भी होर्डिंग लगे हुए हैं कई स्थान पर? देखिए, हमारा बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमने जो हमारे वीडियोस थे, क्योंकि हमारा सारे का सारा रूरल एरिया आता है इसके अंदर, हमने जो वीडियोस हैं और जो कंसर्न हमारे ग्राम सचिव हैं उन सबको डायरेक्शन इशू कर दिए हैं कि कोई भी होर्डिंग, किसी तरह का पॉलिटिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई होर्डिंग है, कोई एडवर्टाइजमेंट है, वो ना हो, वो उतरवा दिए गए हैं। अगर फिर भी कोई रहता है हम उसको तुरंत उतरवा देंगे। प्रिंटिंग प्रेस के लिए क्या निर्देश दिए गए सर? प्रिंटिंग प्रेस जो नामांकन भरने आएंगे सर, उनके लिए क्या निर्देश दिए गए? प्रिंटिंग प्रेस के लिए हमने डीसी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग कॉल कर ली गई है। उसके अंदर प्रिंटिंग प्रेस को जो अपना नाम मेंशन करना होगा, उसमें क्वांटिटी मेंशन करनी होगी, कितने पंपलेट्स हैं, कितने होर्डिंग्स हैं, जितने भी वो पब्लिश करते हैं, प्रिंट करते हैं, उन सब का उसको नंबर देना होगा, और जो वो अप्रूव्ड होने चाहिए, जो हमारी एमसीएमसी जो हमारी कमेटी है जो डीपीआर डीआईपीआरओ की अध्यक्षता में बनती है, उससे वो अप्रूव्ड होना चाहिए जो प्रिंटिंग मटेरियल है। यहाँ भी कोई ऑफिस बनाया स्पेशल इसके लिए? हाँ, इसके अंदर सारी टीम्स यहीं पे बैठेंगी गोहाना के अंदर। कुछ हमारे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, डीसी साहब हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर रहेंगी कुछ टीमें जो डायरेक्ट सोनीपत से सुपरवाइज करेंगी, पर मोस्टली टीम हमारी यहीं पे रहेंगी। सर, कोविड के दौरान सर किस प्रकार से इंतजाम रहेंगे, जैसे कुछ लोग कोविड पे से पीड़ित हैं और उनके लिए वोटिंग प्रावधान? देखिए, अब की बार कोविड के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उसकी जो गाइडलाइंस हैं उसकी भी अनुपालना होगी। उसके अंदर स्पेशल इंतजाम रहेंगे हमारे हर पोलिंग बूथ के ऊपर। अब की बार मास्क का प्रावधान रहेगा, सैनिटाइजेशन पहले करवा दिया जाएगा, सैनिटाइजर्स वहां पे रहेंगे। इसके अलावा जो और सोशल डिस्टेंसिंग है वहां पे हम एनसर्कल कर देंगे, जो हम हर 2 गज की जो डिस्टेंस है उसके ऊपर, तो हर तरह से जो कोविड 19 की रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है उनकी अनुपालना होगी। इसके अतिरिक्त जो आपने पूछा है वो एक अच्छा क्वेश्चन है कि कोविड के रिगार्डिंग क्या एग्जेम्पशंस रहेंगे। इसमें जो 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग रहेंगे, कोविड पॉजिटिव या कोविड सस्पेक्ट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अगर वो ऑथराइज्ड है, वो पर्सन चाहे वो पॉजिटिव है कोविड, चाहे वो सस्पेक्ट है, या 80 साल से ऊपर की उम्र के हैं, या एब्सेंटीज वोटर्स हैं, उसके लिए अब की बार बैलेट पेपर जो पोस्टल बैलेट है उसका प्रावधान किया गया है। सर, उसका मेडिकल के लिए प्रावधान रहेगा, मेडिकल के बिहाफ पे क्या जाएगा या वैसे ही कोई? हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी ये कहता है कि हमें पोस्टल बैलेट चाहिए, तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि कंसर्न एसएमओ रहेंगे
उनसे उनको लिखवा के लेके आना होगा। सर भीड़ को कंट्रोल करने सर कितने बूथ रहेंगे और क्या? हाँ, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पुख्ता इंतजाम है, पुलिस फोर्सेज रहेंगी, जो हमारी जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी रहेंगी। बूथ कितने रहेंगे सर इसमें टोटल और कितने बढ़ाए गए हैं पिछली बार से? बूथ एक्चुअली हमारे पहले 223 बूथ थे, अब जो पहले नंबर होता था वो 1500 के अप्रोक्स था, 1500 इलेक्टर्स पर बूथ, अब वो नंबर कम करके 1000 कर दिया गया है, तो इससे हमारे जो नंबर ऑफ बूथ्स हैं वो हमारे रहेंगे 280, पहले 223 थे और अब 280 57 बूथ्स हमने बढ़ाए हैं। सर इस तरह से कोई नामांकन करने आएगा उसके लिए क्या रहेगा? नामांकन के लिए भी जो नॉमिनेशन है उसमें कुछ ऑनलाइन प्रोविजंस आए हैं, वो नामांकन फॉर्म ऑनलाइन दे सकता है, इसके अलावा जो एक उसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है डिक्लेरेशन वो भी ऑनलाइन दे सकता है, और जो फीस है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो ऑनलाइन दे सकता है, पहले ये प्रोविजन नहीं था ऑनलाइन का, वो कैश या चालान के थ्रू ही लेके आते थे, अब ऑनलाइन वो फीस डिपॉजिट कर सकता है। पर एक इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नॉमिनेशन के लिए, वो भलाई ऑनलाइन अपना फॉर्म अप्लाई कर देता है नॉमिनेशन फॉर्म, पर उसको आरओ के पास आना पड़ेगा नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए। सर रोड शो के दौरान किस प्रकार से प्रावधान किया गया, जैसे कोई प्रत्याशी अगर रोड शो करता है तो उसके लिए कितने व्हीकलों का के लिए गाइडलाइन रहेगी, क्या कुछ? हाँ देखिए, रोड शो के रिगार्डिंग पहले जो प्रोविजन था कि हर 10 व्हीकल के बाद 100 मीटर का डिस्टेंस रहे, अब COVID-19 की डायरेक्शंस को देखते हुए अब की बार 5 व्हीकल्स के बाद आधे घंटे का डिफरेंस रहेगा, आपके पास डिस्टेंस का डिफरेंस नहीं है। अब अगर मान लीजिए कोई रोड शो कर रहा है तो उसमें 5 व्हीकल्स जाने के बाद लगभग आधे घंटे का डिफरेंस रहे, उसके बाद ही नेक्स्ट व्हीकल्स का जो उनका कॉन्वॉय है वो निकल पाए। एक गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं? एक गाड़ी के अंदर 3 से 4 लोगों का प्रोविजन रहेगा, वो देखना पड़ेगा जो परमिटेड व्हीकल्स हैं उनका साइज कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो जनसभाएं होनी है सर, उसके लिए क्या उनके लिए अभी भी परमिशन अनिवार्य करेगी? क्या होना है जो जनसभाएं अभी करेंगे नेता जी, उनके लिए क्या पहले परमिशन का प्रावधान? हाँ बिल्कुल, उनका परमिशन का प्रावधान रहेगा, उनके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट से एनओसीज लेके परमिशन दी जाएंगी, अगर कोई भी रैली होती है जनसभा होती है उसके रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन की और भी गाइडलाइंस अभी आनी बाकी है, जिसमें रैली और जो ये जनसभाएं उसके बारे में बताया जाएगा। अभी देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।